Hello viewers, this is Professor Dr. Waseem I. Khan from Sri Shivaji Law College, Parbani. I welcome all the viewers to the lecture series of Law of Evidence. From today, we will start the topic of confession. In the previous video, we have discussed the relevancy of facts as well as we have discussed the admission and its provisions. So, in the present video, we will discuss confession, the introductory part of confession and its types. So, let us proceed towards our topic. Confession is a voluntary statement made by an accused or a person charged with a crime in which he acknowledges that he is guilty of committing that crime. So, confession is a one kind of voluntary statement made by a person against whom certain type of accusation of crime has been leveled. And if he acknowledges his own guilt, if he says, yes, I have committed an offense, if he admits his guilt, such particular statement is known as a confession. So, confession एक ऐसा statement होता है कि ऐसा पर्सन कि जिस पे कोई इल्ज़ाम लगा हुआ है कि उसने पर्टिकुलर ऑफेंस किया है और वो अपने इल्ज़ाम को अगर कबूल करता है तो ये जो कबूलिया बयान जो है दैट इज़ कॉल्ड एज अ कन्फेशन, तो हम इसको कन्फेशन कहेंगे. The confession of an accused cannot be used against co-accused. So it is a general rule that if there is more than one accused in a particular case, and if one accused confesses his guilt, that particular confession will not be used against co-accused. This is the general rule. कि अगर एक से ज़्यादे कोई ऑफेंस में अगर accused है, मुल्जिम है और उसमें से कोई एक अक्यूज्ड अगर कन्फेशन करता है तो उसका कन्फेशन दूसरे अक्यूज्ड के को-अक्यूज्ड के अगेंस्ट में यूज नहीं होगा. ये जनरल रूल है. इसका एक्सेप्शन सेक्शन 30 में हम आगे डिस्कस करेंगे. सो कन्फेशन इज नॉट डिफाइंड इन द एक्ट. मिस्टर जस्टिस स्टीफन इन हिज डाइजेस्ट ऑफ द लॉ ऑफ एविडेंस डिफाइंस कन्फेशन एज कन्फेशन इज एन एडमिशन मेड एट एनी स्टेज at any time by a person charged with a crime, stating or suggesting the inference that he committed that crime. We have already discussed that there is no definition given under the Evidence Act regarding the confession, but the Justice Stephen defines the confession, and according to him that confession is a one type of admission and that is made by a person who is charged with a crime. जिस पर्सन के अगेंस्ट में कोई चार्ज लगाए गए कि उसने ऑफेंस किया, अगर वो अपने चार्ज से रिलेटेड अगर कोई चीज़ को कबूल करता है तो जस्टिस स्टीफन के हिसाब से हम उसको कन्फेशन कहेंगे. फर्दर अ कन्फेशन मस्ट आइदर एडमिट्स इन टर्म्स ऑफ द ऑफेंस और एट एनी रेट सब्सटेंशियली ऑल द फैक्ट्स विच कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस. सो ऑफेंस के जो टर्म्स है, जो इसेंशियल है, वो सब जो मिलकर एक ऑफेंस को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, उसको अगर वो एडमिट करता है तो ऐसे टर्म को हम कन्फेशन कह सकते हैं. फॉर एग्जांपल, एन एडमिशन दैट अक्यूज्ड वाज इन रिसेंट पोजेशन ऑफ द नाइफ और रिवॉल्वर विच कॉज डेथ विथ नो एक्सप्लेनेशन ऑफ एनी अदर मैन्स पोजेशन इज नॉट अ कन्फेशन इवन दो इट स्ट्रांगली सजेस्ट दैट the accused has committed the murder, until and unless the person the accused specifically admits his own guilt. Such statement cannot be called as a confession. जब तक कोई person specifically clearly अपने गुनाह को कबूल नहीं करता है, हम उसको confession नहीं कह सकते हैं. अभी जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में ऐसा हुआ था कि अक्यूज्ड वाज इन रिसेंट पोजेशन ऑफ द नाइफ और रिवॉल्वर विच कॉज डेथ विथ नो एक्सप्लेनेशन ऑफ एनी अदर मैन्स पोजेशन. अक्यूज के पोजेशन में वो चाकू भी मिला और रिवॉल्वर भी मिली जिससे विक्टिम की डेथ हुई है, और दूसरा किसी का पोजेशन उस पर है ऐसा साबित भी नहीं हुआ. मतलब अक्यूज के पोजेशन में ये सब चीज़ें मिली और ये चीज़ें स्ट्रांगली बताती है कि यस, अक्यूज ने ही ये मर्डर किया है, लेकिन ये चीज़ें अक्यूज के पास से मिलना, ये चीज़ें अक्यूज के पास से रिकवर होना, इसको हम कन्फेशन नहीं कहेंगे। हालांकि स्ट्रांगली सजेस्ट कर रहा है क्योंकि जिस वेपन से ऑफेंस हुआ वो अक्यूज्ड के पोजीशन से मिले, इससे पता चल रहा है, हमको ऐसा फील हो रहा है कि हाँ इसने ही ऑफेंस किया, लेकिन उसके पास से ये चीज़ें रिकवर होना कन्फेशन नहीं कहलाएगा। कन्फेशन के लिए वो पर्सन ने स्पेसिफिकली एक्सप्रेस करना चाहिए कि यस आई हैव कमिटेड एन ऑफेंस, हाँ मैंने ही वो ऑफेंस किया, तभी वो कन्फेशन होगा, अदरवाइज कन्फेशन नहीं होगा। सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कन्फेशन। अब ये कन्फेशन के एग्जाम्पल है जो हम कुछ डिस्कस करने वाले। आई किल्ड माई वाइफ विथ नाइफ, कि मैंने मेरे वाइफ को चाकू से मारा, जान से मार दिया मैंने, ये जो स्टेटमेंट है ये कन्फेशन कहलाएगा। देन आई गेव अ डेथ ब्लो ड्यूरिंग फाइट, कि जब हम दोनों के बीच में फाइट हो रही थी मैंने डेथ ब्लो दिया उसे, कि मैंने उसे जान से मार दिया, ये भी कन्फेशन होगा। देन आई किडनैप द गर्ल, कि मैंने गर्ल को किडनैप किया, ये भी कन्फेशन है। देन आई टुक आउट माई गन एंड शॉट द विक्टिम, मैंने अपनी गन निकाला और विक्टिम को मार दिया, दिस इज ऑल्सो कन्फेशन। तो दीज ऑल फोर statements are called as a confession of accused person. This is not a confession. ये जो statement हम देखने वाले ये confession नहीं होंगे। I saw my wife stained with blood, कि मैंने मेरे wife को खून में सना हुआ देखा, that is not a confession. ये confession नहीं होगा। Then I received injuries in attempting to save the victim. Victim को बचाते हुए मुझे ये injury आई। हालांकि ये स्टेटमेंट ये सजेस्ट कर रहा है कि हाँ ये जो पर्सन है ये स्पॉट पे मौजूद था, लेकिन इस ये जो स्टेटमेंट है इससे ये साबित नहीं हो रहा कि उसने ऑफेंस किया, तो इसलिए ये स्टेटमेंट कन्फेशन नहीं कहलाएगा। देन आई ट्राइड टू सेव बी बट कुड नॉट, कि मैंने बी को बचाने की बहुत कोशिश किया लेकिन वो मैं बचा नहीं सका, ये स्टेटमेंट कन्फेशन नहीं होगा। देन आई वॉज प्रेजेंट एट द प्लेस वेयर ऑफेंस टुक प्लेस, कि जहाँ पर ऑफेंस हुआ मैं वहाँ पर मौजूद था, दिस इज ऑल्सो नॉट अ कन्फेशन, ये भी कन्फेशन नहीं हुआ। सो पलविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब आया 1952 का केस है ये। इन दिस केस पलविंदर वॉज ऑन ट्रायल फॉर मर्डर ऑफ हर हस्बैंड अलॉन्ग विथ अनदर हु ऑल द टाइम रिमेंड अब्सकॉन्डिंग, तो पलविंदर पे उसके हस्बैंड के मर्डर के चार्जेस थे और एक पर्सन उसके साथ था जिन्होंने मिलकर मर्डर किया, ऐसे चार्जेस थे, और जो दूसरा पर्सन था वो अब्सकॉन्डिंग था, वो भागा हुआ था। हस्बैंड वाज हॉबीज फोटोग्राफर एंड यूज टू कीप हैंडी फोटो डेवलपिंग मटेरियल विच इज़ क्विक पॉइजन, तो जो उसका हस्बैंड था वो फोटोग्राफर था और उसके पास जो फोटो डेवलपिंग मटेरियल लिक्विड होता था वो उसके पास हमेशा होता था और वो एक पॉइजन क्विक पॉइजन की तरह वर्क करता है। ऑन द ओकेजन ही वॉज इल एंड शी ब्रॉट हिम सम मेडिसिन एंड द मेडिसिन वॉज केप्ट नियर द लिक्विड डेवलपर एंड बाय मिस्टेक सॉलोड द लिक्विड एंड डाइड। शी गॉट अफ्रेड एंड विद द हेल्प ऑफ अब्सकॉन्डर शी डम्प्ड द बॉडी ऑफ अक्यूज्ड, उसने अक्यूज्ड के बॉडी को डम्प किया, इन द वेल, उसने कुएं में अक्यूज के बॉडी को डंप किया। तो ये जो चीज़ें हैं, अब ये कहीं ना कहीं हुआ था क्या ये केस में कि हस्बैंड वो अक्यूज का फोटोग्राफर हॉबीज फोटोग्राफर था और वो जो फोटो डेवलपिंग मटेरियल लिक्विड होता था वो हाईली पॉइजनस था। तो एक बार वो जो फोटोग्राफर है वो बीमार हुआ और उसके वाइफ ने उसके लिए मेडिसिन लेकर आया और वो मेडिसिन को फोटो डेवलपिंग लिक्विड के पास रखा और वो हस्बैंड ने बाय मिस्टेक वो जो लिक्विड जो दवाई पीना था उसके बजाय वो पॉइजनस लिक्विड डेवलपिंग मटेरियल उसने पी लिया और उसकी वजह से डेथ हो गई। तो उसकी वजह से उसकी वाइफ को डर लगा कि कहीं मुझ पर ना इल्ज़ाम आ जाए और उसने एक दूसरे के मदद से उसकी बॉडी फोटोग्राफर की बॉडी अपने हस्बैंड की बॉडी को उसने कुएं में डंप कर दिया। अब द स्टेटमेंट दस पार्शियली एडमिटेड गिल्ट एंड पार्शियली शोड इनोसेंस। अभी जो स्टेटमेंट है कि हाँ मैंने ऐसा हुआ था कि मेरे हस्बैंड बीमार थे, मैंने उनके लिए दवाई लेकर आई और उन्होंने गलती से वो जो फोटो डेवलपिंग मटेरियल है लिक्विड है वो पी लिया और उनकी डेथ हो गई, हम डर गए थे इसलिए हमने उनकी बॉडी कुएँ में डंप किए। तो इसमें ये जो स्टेटमेंट है कि कुएं में बॉडी डंप करना ये गिल्ट को प्रूव कर रहा है और दूसरा कि बाय मिस्टेक उसने बाय मिस्टेक वो उसके हस्बैंड ने पॉइजन ले लिया, ये इनोसेंस शो कर रहा है. हाउएवर द लोअर कोर्ट sorted out the exculpatory part and convicted her on the inculpatory part. However, Supreme Court rejected the approach and held that the rule regarding confession and admission is that they must either be accepted or rejected as whole. तो यहाँ पर लोअर कोर्ट ने क्या किया, जो एक्सकल्पेटरी पार्ट है, मतलब जो इनोसेंट शो कर रहा था उसको अलग करके इनकल्पेटरी पार्ट पे जो पार्ट ये शो कर रहा था कि उसने बॉडी को डंप किया, उसके बेस पे उसको कन्विक्शन का ऑर्डर पास किया. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बताया कि अगर आपको एक स्टेटमेंट है जो कन्फेशन कहलाता है, तो एक तो कन्फेशन को टोटल एक्सेप्ट करना पड़ेगा या टोटल रिजेक्ट करना पड़ेगा. आप उसको बायफरगेट नहीं कर सकते हो, आप उसके दो पार्ट में डिवाइड करके एक पार्ट को एक्सेप्ट एक पार्ट को रिजेक्ट नहीं कर सकते हो. यहाँ पर कोर्ट ने लैंडमार्क जजमेंट पास किया. Now, there are certain essential of confession. It must be made only by accused or a person charged with a crime. So, essential of confession is that confession can only be made by a person who is accused of a crime. अगर मुझ पे कोई charges है कि हाँ मैंने कोई offense किया, तो मेरे offense को सिर्फ मैं ही कन्फेस कर सकता हूँ, मैं ही बोल सकता हूँ हाँ मैंने ऑफेंस किया. मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ हाँ इसने ही ऑफेंस किया, वो ये पर्सन ने ऑफेंस किया. दैट इज़ नॉट अ कन्फेशन. तो जिस पर्सन ने ऑफेंस किया वही अगर स्टेटमेंट देता है तभी वो कन्फेशन होगा, अदरवाइज नॉट. इट मस्ट बी अ वॉलंटरी स्टेटमेंट. सो only those confession is having an evidentiary value which is a voluntary one. Involuntary confession is having no evidentiary value. तो वही confession को evidentiary value है जो voluntary है. अगर मुझ पर दबाव डाल के मुझसे कन्फेस कराया गया तो वो कन्फेशन को एविडेंशियरी वैल्यू नहीं है, वो कन्फेशन इररिलेवेंट हो जाएगा. देन इट कन्फेशन मस्ट अफेक्ट द कन्फेसर. कन्फेशन मस्ट अफेक्ट द कन्फेसर. अगर मैं कोई ऑफेंस को कन्फेस कर रहा हूं तो वो मुझे अफेक्ट करेगा. दैट इज अ कंडीशन प्रेसिडेंट बिहाइंड द एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ कन्फेशन. देन it must be to a magistrate or another person. So confession is possible to the magistrate or to any other person, but the evidentiary value may change. Evidentiary value change होगी. If I confess my guilt before the magistrate, it is having a much evidentiary value. इसको बहुत ज़्यादा evidentiary value रहेगी. It must contain a statement admitting the guilty. So confession must be there in which द पर्सन एडमिट हिज गिल्ट. कन्फेशन वही स्टेटमेंट कहलाएगा जिसमें पर्सन ने अपनी गिल्ट को एडमिट किया. अगर पर्सन कह रहा है कि हाँ मैंने ही ऑफेंस किया तभी वो कन्फेशन होगा. अगर वो पर्सन कह रहा है कि हाँ मैं वहाँ पर मौजूद था, ये कन्फेशन नहीं होगा. एडमिशन ऑफ गिल्ट मस्ट बी देयर इन अ कन्फेशन. इट मस्ट बी अ वॉलंटरी एक्नॉलेजमेंट ऑफ गिल्ट. ये वॉलंटरी एक्नॉलेजमेंट ऑफ गिल्ट होना अंडर कंपल्जन वगैरह नहीं होना चाहिए. इट मस्ट बी अ स्टेटमेंट आइदर ओरल और डॉक्यूमेंट्री. कन्फेशन में भी ओरल और इन अ डॉक्यूमेंट्री फॉर्म. ये लिखित रूप में भी हो सकता है या ओरल रूप में भी हो सकता है. इट मस्ट बी डेफिनेट एंड सर्टेन. कन्फेशन मस्ट बी डेफिनेट एंड सर्टेन. सपोज इफ आई हैव कमिटेड एन ऑफेंस ऑन 2 ओकेजन. 2 ओकेजन पे मैंने ऑफेंस किया हूँ और मैं बोल रहा हूँ कि यस आई हैव कमिटेड एन ऑफेंस, बट विच ऑफेंस आई वॉन्ट टू एडमिट. कि किस ऑफेंस से रिलेटेड मैं कन्फेस करना चाहता हूं. डेफिनेट होना चाहिए कि अगर मैंने 2 पर्सन के घर चोरी किया तो होगा ऐसा कि मुझे स्पेसिफिकली मेरा जो कन्फेशन है वो सर्टेन होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए. हाँ आई हैव कमिटेड द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट इन एज हाउस, तो दैट विल बी द डेफिनेट कन्फेशन. If I have committed an offence of theft in A and B's house, and if I says yes, I have committed the offence of theft, but in which house? ए और बी. दैट इज़ नॉट अ डेफिनेट. सो इट मस्ट बी डेफिनेट. डेफिनेट होना चाहिए कि मैंने ए के बी का, ए के घर का थेफ्ट मैं कन्फेस कर रहा हूँ या बी के घर का, तो ये डेफिनेट होना चाहिए. देन क्लासिफिकेशन ऑफ कन्फेशन इज देयर. द फर्स्ट वन इज जुडिशियल कन्फेशन. अ जुडिशियल कन्फेशन इज अ कन्फेशन दैट इज मेड इन फ्रंट ऑफ अ मैजिस्ट्रेट और इन अ कोर्ट. इट मे बी मेड इन द कोर्स ऑफ अ जुडिशियल प्रोसीडिंग. इफ accused confess his guilt before the magistrate or in a open court, that particular confession is known as a judicial confession. तो पर्सन अगर कोर्ट में अपना कन्फेशन अगर देता है मजिस्ट्रेट के सामने, हम उसको जुडिशियल कन्फेशन कहेंगे, जैसा कि ये इमेज में हमको दिख रहा है। अब यहाँ पर इमेज में देखो कि अगर फॉर एग्जांपल मजिस्ट्रेट ने क्वेश्चन किया डू यू प्लीड गिल्टी एंड इफ द अक्यूज सेज यस आई प्लीड, मजिस्ट्रेट ने क्वेश्चन किया कि आपको गुनाह कबूल है, और अगर अक्यूज कहता है कि यस मुझे गुनाह कबूल है, तो ये जुडिशियल कन्फेशन कहलाएगा। अ जुडिशियल कन्फेशन हैज़ बीन डिफाइंड to mean plea of guilty on arrangement made before the court if made freely by a person in a fit state of mind। अगर कोई पर्सन फिट स्टेट ऑफ माइंड में मजिस्ट्रेट के सामने अपने गुनाह को कबूल करता है तो ये कन्फेशन को बहुत ज़्यादा एविडेंशियरी वैल्यू होगा। तो जुडिशियल कन्फेशन मजिस्ट्रेट के सामने कन्फेस करना, ये जुडिशियल कन्फेशन कहलाएगा। देन एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन आर दोज विच आर मेड बाय द पार्टी एल्सवेयर Then before a magistrate or in an open court, if any person confesses guilt out of the court or before any other person other than magistrate, such confession is known as a extrajudicial confession। तो magistrate के सामने नहीं करते हुए अगर किसी और person के सामने कोर्ट के बाहर अगर कोई अपना गुनाह कबूल करता है तो वो extrajudicial confession कहलाएगा। So an extrajudicial confession has been defined to mean a free and voluntary confession of guilt by a person accused of a crime in the course of conversation with person other than judge or magistrate sized of the charge against himself। तो किसी और person के against में out of court अगर कोई person अपने गुनाह को कबूल करता है तो ये extrajudicial confession कहलाएगा। Extrajudicial confession can be accepted and can be the basis of conviction if it passes the test of credibility। So extrajudicial confession is having a less evidentiary value। So until and unless extrajudicial confession pass the टेस्ट ऑफ क्रेडिबिलिटी, जब तक उसकी सच्चाई का पता नहीं लगेगा, ये वॉलंटरी है या नहीं है इसका पता नहीं लगेगा, तो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन के बेस पे सज़ा नहीं सुनाई जा सकती है। एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन इज जनरली मेड बिफोर प्राइवेट पर्सन विच इंक्लूड्स इवन जुडिशियल ऑफिसर इन हिज प्राइवेट कैपेसिटी। सो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन किसी प्राइवेट पर्सन के सामने किया जाने वाला कन्फेशन है। इवन जुडिशियल ऑफिसर के सामने भी अगर उसके प्राइवेट कैपेसिटी में अगर कन्फेशन देते हैं तो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन कहलाएगा। सो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन जुडिशियल एंड एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। सो जुडिशियल कन्फेशन आर दोज विच आर मेड इन अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 164 CRPC और बिफोर द कोर्ट ड्यूरिंग कमिटल प्रोसीडिंग और ड्यूरिंग ट्रायल। 164 CRPC में जो कन्फेशन मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करेगा वो जुडिशियल कन्फेशन कहलाएगा। एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन आर दोज विच आर मेड टू एनी पर्सन अदर देन दोज अथोराइज्ड बाय लॉ टू टेक कन्फेशन। इट मे बी मेड टू एनी पर्सन और टू पुलिस ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ऑफ एन ऑफेंस। तो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन किसी भी पर्सन को दिया जाने वाला कन्फेशन या पुलिस ऑफिसर को या अदर देन मजिस्ट्रेट किसी को भी दिया हुआ कन्फेशन वो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन कहलाएगा। सो टू प्रूव जुडिशियल कन्फेशन द पर्सन टू होम जुडिशियल कन्फेशन इज मेड नीड नॉट बी कॉल्ड एज अ विटनेस। तो जुडिशियल कन्फेशन को प्रूव करने के लिए जिसके सामने उसने कन्फेशन दिया उसको एज अ विटनेस बुलाने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल मजिस्ट्रेट के सामने अगर कन्फेशन देता होगा और मजिस्ट्रेट ने वो कन्फेशन रिकॉर्ड किया होगा तो वो मजिस्ट्रेट को एज अ विटनेस बुला के पूछा नहीं जाएगा कि तुम्हारे सामने इसने कन्फेशन दिया, क्या वो कन्फेशन वॉलंटरी था या नहीं था। बट एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन आर प्रूव्ड बाय कॉलिंग द पर्सन एज अ विटनेस before whom the extrajudicial confession is made। So extrajudicial confession जब भी होगा तो जिस पर्सन को भी उसने कन्फेशन दिया तो उसको एज ए विटनेस कोर्ट में बुलाया जाएगा, उससे पूछा जाएगा कि हाँ ये तेरे सामने इसने कन्फेशन दिया क्या। उसके साथ साथ अक्यूज को भी बुलाया जाएगा कि आपने इसके सामने कन्फेशन दिया क्या, उसके बाद ही उसको एविडेंशियरी वैल्यू आएगा, अदरवाइज नॉट। सो अनदर पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज दैट Judicial confession can be relied as proof of guilt against the accused person if it appears to the court to be voluntary and true। अगर judicial confession अगर voluntary और true है तो कोर्ट उस पर बहुत भरोसा करेगा और उसके बेस पे सज़ा भी सुना सकता है कोर्ट। बट एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन अलोन कैनॉट बी रिलाइड, इट नीड्स सपोर्ट ऑफ अदर सपोर्टिंग एविडेंस। बट एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन के बेस पे कोर्ट सज़ा नहीं सुना सकता अनटिल एंड अनलेस इट इज़ कोराबोरेटेड बाय अदर एविडेंसेस। दूसरे एविडेंस से जब तक वो कोराबोरेट नहीं होगा उसके बेस पे सज़ा नहीं सुनाई जा सकती है। इन केस ऑफ जुडिशियल कन्फेशन एंड कन्विक्शन मे बी बेस्ड ऑन जुडिशियल कन्फेशन, जुडिशियल कन्फेशन के बेस पे कन्विक्शन पॉसिबल है, इट इज़ अनसेफ टू बेस कन्विक्शन ऑन एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। ये बहुत अनसेफ होगा कि एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन के बेस पे सज़ा देना। तो इन जनरल वी कैन से दैट अ कन्विक्शन कैनॉट बी बेस्ड ऑन एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन जनरली। So this is the introductory part of the confession, as well as we have discussed the difference between the judicial and extrajudicial confession. I hope you like this video. If you like this video, please subscribe my channel, hit the notification button and hit the like button and share this video with